मेरा नाम मधु शर्मा है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद रही हूँ, लंबे समय से सहकारिता से जुड़ी हुई हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी कल अम्बा जी, प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की, महिला जिलाध्यक्षों की बैठक थी। महासचिवों की जब पारी आई तो उन्होंने जो सूची पढ़ी उसमें नाम नहीं था मेरा। तो मैंने ये कहा कि भाई, दो साल पहले हमारी नियुक्ति हुई है, 22 जुलाई के करीब मुझे ध्यान है, 1923 में महासचिव पद पे, और मैडम वर्मा ने नियुक्ति पत्र दिया था। उस समय नेट्टा जी अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। हम लोग बिंद से आते हैं, मैं सिंगरौली जिले से हूँ और सीधी सिंगरौली दोनों से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ। भाई हमारा नाम नहीं है इसमें, तो बोले आप बैठ जाइए। मैडम बोली, वर्मा मैडम की, प्रदेश अध्यक्ष जो है कि शांत रहिए, देख लेंगे बात। हम कि भाई देख क्यों लेंगी, क्या हम लोग फर्जी नियुक्ति है, लगातार काम कर रहे हैं। तुम कि भाई हमारी नियुक्ति फर्जी है क्या, आप बताएं लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, कि आप बाहर निकल जाइए नहीं तो मैं जूता मार के निकालूंगी। और मैं हतप्रभ रह गई। अलका लामा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको तमीज होना चाहिए। अलका लामा ने सीधे कहा कि आप बाहर निकलिए नहीं तो मैं जूता मार के निकालूं। हम क्या आपके दम है तो आप इसी वक्त हमको जूता मारिए। अगर आप अपने बाप की बेटी हैं तो मधु शर्मा को जूता मारिए और फिर मैं उसकी प्रतिक्रिया बताती हूँ। आप बिल्कुल मारे, आप अपने बात से मत पलटिए मैडम, आप जूता मारिए। इतना अव्यवहारिक है आप, राष्ट्रीय पद के अध्यक्ष पद में बने लायक आप नहीं है, आप एक पोलिंग बूथ की एजेंट बनने लायक महिला नहीं है। बोले मैं पार्टी से बाहर निकाल दूंगी तो हम कि किसी के बाप की कांग्रेस पार्टी है ना तो निकालते रहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि आप निकल जाइए बाहर नहीं तो मैं जूता मार के निकालूंगी। हम कि आपके दम हो छाती में तो मारिए मुझे जूता।